नमो लोये सौहरियंतानम नमो लोये सौदानम नमो लोये सौआरियान नमो लोये सौजायानम नमो लोये सौतिरावती सावनम ओमकार बिंदु संयुक्त नित्यम जायंती योगिना कामदम मोक्षदम से ओंकाराय नमो नमः मंगलम भगवान मंगलम गौतमोनि मंगलम कुंकुंडारी जैंद्र मंगलम नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकास्ते स्वभावाय भवाय सर्वात्मा। अष्टो धारा दौलत राम जी कृत उसकी छत्तीसगार की आठवां श्लोक छठी धाव का आठवां श्लोक जो क्या कहते हैं कि जीव प्राणी को अपना शुद्ध स्वरूप की दृष्टि पहले किया हो वो पहले दर्शन ज्ञान आ गया है। अपना स्वरूप शरीर वाणी मन से भिन्न है और पुण्य ने पाप का राग भी अपना स्वरूप सदन भिन्न है। ऐसा अपना निज आनंद स्वरूप की दृष्टि क्या हो मैं शरीरादि पर पदार्थ की क्रिया का करने वाला नहीं, क्योंकि मेरा अस्तित्व में मेरी मौजूदगी में वो तत्व नहीं, मेरी मौजूदगी में जो तत्व नहीं उसका मैं करने वाला, बदलाने वाला, तोड़ने वाला के रक्षक मैं हो सकता नहीं। समझ में आया? तो कहते हैं पहले था शुद्ध स्वरूप की श्रद्धा और ज्ञान कहीं करते हैं तो उसमें स्वरूप आचरण ध्यान कैसा होता है और ध्यान प्रथम सम्यक दर्शन प्राप्ति के काल में क्या होता है और पीछे सम्यक दर्शन पीछे भी जब जब अपना स्वरूप का ध्यान करते हैं प्यारे कैसी दशा क्या प्रकार की होती है वो वर्णन करते हैं। भाषा समझते ना तो तुम्हारी हिंदी है, थोड़ी हिंदी चलती है। स्वरूप चारण आचरण चारित्र का वर्णन आत्मीदाता शुद्ध उपयोग आत्मा एक पैटर्न के असंग भाग में अनंत ज्ञान दर्शन आनंद संपन्न उसमें शुभ भाव जो दया दान व्रत भक्ति सबका शुभ विकल्प जो उससे हैं ये शुभ भाव है, ये पुण्यबंध का कारण है। हिंसा झूठ चोरी विषय भोग वासना ऐसा शुभ उपयोग और शुभ उपयोग वो पाप बंध का कारण है। दो ही उपयोग शुभ ने अशुभ उसको अशुभ उपयोग कहते हैं। रतन जी दो ही उपयोग नो अंतर व्यापार शुभ हो के अशुभ हो दो ही अशुद्ध व्यापार है। नमित भाई सुधरने जरूरत है। पहला नक्की करना पड़ेगा कि नहीं उसको कि क्या चीज है, कैसे प्राप्त होती है, अनंत काल में क्यों प्राप्त हुआ नहीं कि अनंत काल में उसने दृष्टि अपना शुद्ध एकाकार आनंद स्वरूप ऊपर दृष्टि कभी किया नहीं। श्रद्धा में भी लिया नहीं मेरा स्वरूप निर्विकल्प आनंद है, उसमें मैं एकाकार हूँ तो मेरे धर्म होगा, ऐसी प्रथम श्रद्धा भी कभी किया नहीं। समझ में आया? अनादिकाल से अशुभ भाव करते हैं, उसमें मिठास आती है तो उसमें मेरे को मजा आती है। वो तो मिथ्यात भाव, दुख में मजा मानना वो मिथ्यात भाव है। और शुभ भाव आता है वो भी दुख रूप भाव है। सुभाष भाई, हम तो सुभाष भाई कहते हैं, सुभाष चंद भाई तुम्हारे क्या उन्हें आया? कहते हैं दया दान व्रत भक्ति आदि भाव होता है, वो भाव शुभ आचरण रूप शुभ भाव कुंबंध का कारण अशुद्ध उपयोग रूप उसको कहते हैं। जी हमें वो दो उपयोग सिवाय की आत्मा की शुद्ध उपयोग दशा, उसका नाम भगवान सर्वज्ञ परमेश्वर धर्म कहते हैं। समझ में आया? शुद्ध उपयोग शुभ अशुभ दो भाव, अशुद्ध उपयोग उससे रहित शुद्ध चिदानंद भगवान पूर्ण आनंद स्वरूप, उसका तब से दृष्टि लगाकर उसमें स्थिर होना, उसको यहाँ स्वरूप चारित्र स्वरूप आचरण चारित्र कहते हैं। चारित्र आप चारित्र वो यथार्थ चारित्र है। समझ में आया? तो सम्यक दर्शन से मानकर इस स्वरूप आचरण चारित्र का प्रकट होता है। चारित्र का भाव शुद्ध स्वरूप आचरण का भाव सम्यक दृष्टि पहले से उत्पन्न होता है। और मुनियों को भी सच्चा आत्मदर्शन आत्मज्ञान अनुभव हुआ हो तो उसको भी शुद्ध उपयोग का आचरण चारित्र में निर्विकल्प आनंद का ध्यान होता है, उसको स्वरूप आचरण चारित्र कहते हैं, उसको शुद्ध उपयोग कहते हैं। समझ में आया? तो यहाँ वे दौलतराम जी छठी ढाल में स्वरूप आचरण आत्मा स्वरूप शुद्ध है, उसका आचरण समझ में आया? शुद्ध स्वरूप आचरण शब्द पर आए ना, स्वरूप आचरण चारित्र कांस में शुद्ध उपयोग दर्शन आत्मा का भान बिना पंच महाव्रत का परिणाम हो, इच्छा भी मूल गुण का परिणाम हो, सब शुभ है, सब दुख रूप है। समझ में आया? आत्मा का अंदर चैतन्य स्वभाव शुद्ध आनंद कंद स्वरूप अनादि अनंत सर्वज्ञ परमेश्वर है। त्रिलोकनाथ तीर्थंकर देवे जिसको आत्मा कहा, कि आत्मा शरीर वाणी तो नहीं, उन पापी आत्मा नहीं, एक समय की वर्तमान प्रगट अवस्था वो भी निश्चय आत्मा नहीं है। एक समय की ज्ञान दर्शन वीर्य का उघाड़ रूप भाव इतना भी आत्मा निश्चय नहीं, वो व्यवहार आत्मा है। वो व्यवहार आत्मा वो अभूतार्थ है, सच्चा आत्मा नहीं। सारी बात है बराबर, आत्मा मुझे जुनू तो बराबर बराबर है। शरीर वाणी जड़ वो तो आत्मा नहीं, कर्म अंदर है वो आत्मा नहीं, शुभ अशुभ भाव आत्मा नहीं, वो तो आश्रय तत्व है। शरीर वाणी कर्म तो अजीव तत्व है, रही वो आत्मा। उसमें दो भाग, एक वर्तमान ज्ञान दर्शन वीर्य का विकास स्वरूप उधार भाव वो तो व्यवहार आत्मा है, एक समय की पर्याय व्यवहार आत्मा है। व्यवहार आत्मा का अर्थ थोड़ी क्या आया, यह अभूता आत्मा है। त्रिकाल एक स्वरूप भगवान आत्मा शुद्ध आनंद आदि अनंत गुण का पिंड, इस शुद्ध स्वरूप ध्रुव वो भूतार्थ आत्मा, सच्चा आत्मा, उसका सच्चा स्वरूप भूतार्थ शुद्ध त्रिका, उसका नाम सच्चा स्वरूप है। यही बात हरी भाई समझ में आया। तो भाषा हिंदी सादी है, हमें कहीं कोई ऐसी गुजराती वाला कहीं हमने समझती नहीं बात न हो कि मुझे नहीं पर आवी सादी आमा क्या पर ये तुम्हारा सूरज बल्दी बोल लेते हैं हिंदी, ऐसी कहीं हमको आती नहीं है। यही तुम्हारी भाषा हमको आती है, है? आदो सादी सरल गुजराती जैसी। भगवान आत्मा आज तो सीधी बात, सरल बात है। प्रभु तेरे को आत्मा कहा, आत्मा कहा, वो आत्मा क्या चीज, आत्मा क्या चीज, आत्मा कौन है, कहते हैं शुद्ध स्वरूप आचरण। स्वरूप की व्याख्या चलती है कि स्वरूप तो एक सेकंड के आसन भाग में वस्तु ध्रुव ध्रुव सामान्य आनंद विनायक वो स्वरूप वो वस्तु वो निश्चय आत्मा वो सता भूतार्थ चीज सती चीज त्रिकाली रहनार भगवान, उसको नाम यहाँ स्वरूप कहने में आता। नवनीत भाई आ स्वरूप का आचरण समझ में आया। ऐसा जो स्वरूप उसमें आचरण एकाग्र होना, एकाग्र होना, इसका नाम स्वरूप आचरण। सारी तरफ दूसरा उसका अर्थ शुद्ध उपयोग, दूसरा उसका अर्थ स्वरूप का आचरण रूप पर्याय, उसको शुद्ध उपयोग कहा। इस शुद्ध उपयोग ही मोक्ष का कारण में धर्म है। समझ भाई तो क्या ना क्या मान रखा है दुनिया देखी किया न सुबह ऐसा हुआ न पंचमा और ऐसा। अरे भगवान ये तो राग है, विकल्प है, दे तो जड़ है। भगवान आत्मा एक सेकंड का संग भाग में वस्तु वस्तु जिसमें अनंत अनंत केवल ज्ञान, जिसका गुण में अनंत अनंत केवल ज्ञान परा है, जिसका दर्शन में अनंत अनंत केवल दर्शन, अनंत अनंत जिसका दर्शन में पराय अंदर में, जिसका आनंद में अतीन्द्रिय अनंत आनंद आनंद अतीन्द्रिय अनंत आनंद हो रहा है, जिसका वीर्य में अनंत अनंत वीर्य तत्व प्रगटते हैं, ऐसा अनंत वीर्य जिसमें पड़ा है, जिसमें स्वच्छता की पर्याय प्रगट अनंत पूर्ण हो, ऐसी स्वच्छता की अनंत अनंत पर्याय जिसकी स्वच्छता का गुण में पड़ी है। समझ में आया? जिसका स्वरूप में वस्तु में परमेश्वरता प्रभुता परमेश्वरता जो एक समय में परमेश्वरपना प्रगट होता है, एक समय में केवल दर्शन आदि परमेश्वरता, ऐसी परमेश्वरता अनंती परमेश्वरता एक प्रभुता नाम का गुण में अनंती परमेश्वरता अंदर पड़ी है। समझ में आया? अर्थात दूसरा बोलते हैं तो आत्मा में एक स्वसंवेदन प्रकाश नाम का गुण है। आत्मा में एक स्वसंवेदन प्रकट होना ऐसा अनादि अनंत गुण है। ये गुण में आत्मा का पुण्य पाप का राग रहित स्वरूप की सुदुपयोग की रमणता स्वसंवेदन होना, ऐसा ऐसा स्वसंवेदन साधी अनंत जे शांति का वेदन अनंत अनंत पर्याय में होता है, ऐसी अनंती पर्याय जिसका एक प्रकाश प्रकाश नाम का गुण में अनंत स्वसंवेदन पड़ी है अंदर में। समझ में आया? ऐसा भगवान आप चार पांच बोल का हलो, ये सब अनंत गुण है। ऐसा अनंत गुण का पिंड प्रभु जिसको भूतार्थ आत्मा, सतो आत्मा, साचो आत्मा, सत्य आत्मा, प्रभु आत्मा, पूर्ण आत्मा, उसका अंदर आचरण करना, नाम स्वरूप आचरण चारित्र शुद्ध उपयोग, ये चौथे गुण स्थान से प्रकट होता है। समझ में आया? ऐसा अनुभव सम्यक दृष्टि चौथे गुण स्थान है। जब पहला अनुभव सम्यक दर्शन होता है, प्यार से होता है, पीछे कोई कोई काले बहुत काले स्वरूप आचरण का सुदुपयोग का ध्यान चौथे गुण स्थान में बहुत लंबा काले आता है। पंचम गुण स्थान में उससे थोड़े काले न बहुत सचना बहुत उपयोग में टिकना थोड़े काले आते हैं। मुनियों को तो जिसको आत्मज्ञान में आत्मदर्शन सही चारित्र प्रकट हुआ है, ऐसा है, ऐसा मुनियों को तो वारंवार एक दिन में हजारों बार स्वरूपाचरण शुद्ध उपयोग आता है। समझ में आया? सच्चा मुनिपणा, सच्चा संयम दर्शन, सच्चा सावकपणा, सच्चा मुनिपणा, तीनों में संयत दृष्टि को इस स्वरूप आचरण शुद्ध उपयोग कभी कभी आता है। पंचम गुण स्थान सावक सच्चा हो, उसको स्वरूप आचरण चारित्र का शुद्ध उपयोग बहुत अल्प काल में और बहुत टिकते हैं। मुनि को तो क्षणे क्षणे सच्चा, जिसको भगवान मुनि कहते हैं, ऐसा मुनि को तो स्वरूप आचरण उपयोग क्षण क्षण में आता है। क्षण में अंदर आनंद कंद में झुल जाए, दूसरा क्षण में विकल्प उठे, तो तीसरा क्षण में शुद्ध उपयोग रम जाए। ऐसा शुद्ध उपयोग का आचरण चौथे पांचवें ने छठे सातवें आप प्रकार का होता है। तो भाई मैं हमें उसकी गाथा देखो 8वीं दौलत राम जी कृत सादी हिंदी भाषा में चालती हिंदी भाषा छठा और उसकी छठी डाला का 8वां श्लोक है। उसका पहला शब्दकार किया जिन परम पैनी सुबुद्धि छैनी दारी अंतर भेदिया वर्णादि से निज भाव को न्यारा किया निज माही निज के हेतु निज कर आपको आप निज माही निज के हेतु निज कर आपको आप ग्रयो गुण गुणी ज्ञाता ज्ञान गिरी मंजार कछु भेद न रहो। वो पहले भाई 7वीं का समाज में थे 7वीं चलवाए नहीं थे 7 में उसमें 7 में सुनिए स्वरूपाचरण जब अब उसके पहली कड़ी जिस होत प्रगटे अपनी निधि मिटे पर की प्रवृत्ति सब है भैया वो 7 में वो पहले 8 पहले 7 वो या 8 पहले 7 कड़ी है कड़ी की दौलत राम जी छठी ढाल में पंडित था दिगंबर पंडित बहुत आत्मा का यथार्थ ज्ञान वाला समझ में आया। कहते हैं सुनिए स्वरूपाचरण अब जिस होत प्रगटे अपनी निधि भगवान आत्मा निधि अनंत आनंद की निधि है। अनंत अनंत स्वरूप संपदा का प्रभु भगवान आत्मा स्वामी है। धूल का नहीं उन पाप का भी वो स्वामी नहीं यथार्थ में आत्मा। उन पाप का भाव भाव हो भाव का भी स्वामी नहीं वस्तु विचार है भगवान आत्मा। 1 सेकंड के असंख्य भाग में कहते हैं अपना स्वरूप पर दृष्टि देने से शुद्ध आचरण में एकाकार होने से प्रगटे आपनी निधि तो निधि तो है। पहले कहा ऐसा आत्मा निधान है समझ में आया। जैसे नींदी पीपर छोटी पीपर में 64 पेरी तिखाट करपराई तो भरी है। करपराई नींदी पीपर होती है ना छोटी पीपर कहते हैं और तुम तो वैध है वो तो शौक है ना वैधना पैसा वाला तो शौक है समझ में आया। वो नींदी पीपर में 64 पैरे ढूंढते हैं तो 64 पैरी करपराई प्रकट होती है। कहाँ से आई? पत्थर के घुसने से आई। पत्थर के घिसने से आती हो तो कोलसा ने कांकरा घिसने से आनी चाहिए उसमें है। पीपर में 64 पेरी 64 समझे ना 16 ना 64 पैसा अरे 100 पैसा का रुपया हो गया। अभी तक तो 64 पैसा था न 16 ना है अब तो हो गया हो तो ऐसी 16 ना एक पीपर में सरपराई पड़ी है। ऐसा हरा रंग पड़ा है ऐसा सुवाड़ा पड़ा है ऐसा अनेक शक्तियाँ एक पीपर के दाने में शक्ति रूप निदान पड़ा है। उसको प्रकट करना वो पर्याय में प्रकट करना वो उसका कार्य है। ऐसे भगवान आत्मा 1 सेकंड का संग भाग में पूर्ण निधि पर आनंद ज्ञान आदि हाँ, जिसको एकाग्र होकर अपना कारण प्रभु वस्तु स्वरूप जो ध्रुव है उस स्वरूप में एकाग्र होकर शुद्ध उपयोग का आचरण द्वारा अंतर की निधि को वर्तमान अवस्था में खोल देना, प्रकट करना, उसका नाम यहाँ शुद्ध उपयोग कहते हैं। रास्ता लिया यहाँ सरकार है तुम्हारे घरे घरे होगी तो सब है ना तुम्हारे कई सावल तो सब दवाई क्या मजा समझ में आया। जिस होत प्रगटे अपनी निधि उसका क्या किया कि शरीर वाणी प्रगटे कहीं अपनी निधि नहीं है, पैसा वैसा मिले अपनी निधि नहीं, शरीर कुछ पाप का भाव प्रकट हुआ वो अपनी निधि नहीं, अपनी निधि भगवान आत्मा अनंत अनंत बेहद ज्ञान अप जिसका स्वभाव का हद क्या, जिसका स्वभावी ज्ञान, जिसका स्वभावी आनंद, उसकी हद क्या, मर्यादा क्या, बेहद आनंद ने बेहद अपरिमित ज्ञान आदि आत्मा में पड़ा है। ये अपनी निधि है कि अंतर में एकाग्रता होने से ये निधि प्रगटे, आकारण से प्रगटे, शुभ भाव से अशुभ भाव से बिल्कुल क्रिया से अपनी निधि प्रगट कभी होती नहीं। समझ में आया। पहली श्रद्धा तो नक्की करे, श्रद्धा का पंथ कोई महाराज है, दूसरा कोई महाराज है नहीं। तो कहते हैं कि भगवान आत्मा अपनी निधि ये अपना अंतर में एकाग्रता होने से प्रकट होती है। वो पुण्य का विकल्प से, निमित्त से, व्यवहार से अपना स्वरूप की निधि प्रकट नहीं होती, ऐसा यहाँ कह दिया भाई। व्यवहार से प्रकट नहीं होती कह दिया, उसमें व्यवहार बीच में आता है, दया, दान, व्रत, भक्ति, तप, जप आदि, अथवा व्यवहार रत्नत्रय, देव गुरु की श्रद्धा, नौ तत्व की भेद वाली श्रद्धा और शास्त्र का ज्ञान, वो व्यवहार आता है। पर वो व्यवहार से अपनी निधि प्रकट होती है ऐसा नहीं। समझ में आया क्या लिखा? देखो दौलतराम जी लिखते हैं, भैया है लिखते हैं नहीं, हमारे तो मोल्टेज है कहीं। जिस होत प्रगटे अपनी निधि नीचे पर की प्रवृत्ति सब भाई, परनी प्रवृत्ति का अर्थ और शुभ आदि राग है, पर प्रवृत्ति अपनी स्वरूप। समझ में आया। अरे वस्तु कैसी है अने कैसे प्राप्त हो इसका निर्णय का भी ठिकाना नहीं, उसको धर्म कहाँ से होता है? नवनीत भाई है ने हमने आज कंटक्ट है, नवनीत भाई ने सारी आठ कंटक्ट सारी छोटावा कंटक्ट है। हाँ एने लेना वाचन शुरू की हुई तो हमारे घनी पुस्तक भेजी हमने, मेरा वाचन व्याख्यान हो गया है, छपन आ उसका तरफ से छपाना है। समझ में आया। भगवान भगवान आत्मा को कहते हैं, हे आत्मा तेरा स्वरूप आनंद शुद्ध चिदानंद स्वरूप वो तो अंतर की स्वसन्मुक्ति स्वस्वभाव सन्मुखता की शुभ आचरण रूप शुद्ध उपयोग रूप एकाग्रता द्वारा ही अपनी निधि प्रकट होती है। दूसरा कोई कारण से अपना स्वरूप की निधि शक्ति की व्यक्तता सामर्थ की प्रगटता सत्व का सत्व से है अंदर स्वरूप, उसकी बाहर आना ये अंतर से एकाग्रता हुए बिना कभी बाहर प्रकट निधि आते। तो समझ में आता है कि नहीं है उसमें कि नहीं। देखो अक्षर ढाला है, आप सुबह भी बचाएंगे अक्षर ढाल लिया है कि नहीं। देखो आप तो शादी हिंदी भाषा है, बहुत ठीक है। चलो भैया हमारे साथ मानो सुना कि सुनिए एम कहते हैं। दौलतराम जी कहते सामो सुनो क्या स्वरूप आचरण। अब क्या कि जिस स्वरूप आचरण से होते छते होते हुए प्रगटे अपनी निधि, क्या मीठे पर की प्रवृत्ति अस्सी न सीखा अनिकान कर दिया। समझ में आया। भगवान आत्मा अपने शुद्ध चिदानंद की शक्ति का स्वामी पूर्णानंद है। ओ तरफ की अंतर एकाग्रता उससे निधि प्रकट होती है। विकल्प आदि पर प्रवृत्ति है उससे रुक जाती है, उससे रुक जाती है, रहती नहीं। स्वरूप की अंतर एकाग्रता से निधि प्रकट होती है। इससे शुभा शुभ परिणाम शुभ आदि है ये प्रवृत्ति रुक जाती है। हाँ मूल चीज है वीतराग परमेश्वर सर्वज्ञ देव त्रिलोकनाथ तीर्थंकर देव सर्वज्ञ पद ने प्राप्त हुआ। वाणी की ध्वनि निकली, 100 इंद्र की हाजिरी में दिव्य ध्वनि समोषण में निकली। अनंत तीर्थंकरों हुआ। वर्तमान महावीर क्षेत्र में वो सिमंदर भगवान विराजमान है, 20 वीरमान विराजमान है। धोरी धर्म प्रवर्तका हमारे पंडित जी निकले थे ना, धोरी मोटा धर्मना धोरी धर्म प्रवर्तका। वो समोषण शुरू किया ना, समोषण उसमें नहीं किया भाई पंडित। समझ में आया। ये भगवान की वाणी में ऐसा आया है। अनंत तीर्थंकरों की वाणी में ऐसा आया था। अनंत तीर्थंकर होगा ऐसा आया। तो कहते हैं दौलतराम जी सुनिए भगवान ऐसा कहते हैं, वो बात हम कहते हैं। अनंत संतो अनंत काल से परमात्मा का संत वितरागी मुनियों केवल ज्ञानियों तीर्थंकरों अरे सम्यक दृष्टियों पर आई बात अनादि से कहते आते हैं। नीचे पर की प्रवृत्ति की शुभ राग की प्रवृत्ति राग पर की है, अपनी नहीं। ताराचंद जी नीरखे ध्रुव की कारी जो आवे थे आनंदगंज मार्ग ताराचंद मायने तो तारी है तो कैसा आनंदगंज हुआ है श्वेतांबर में। हाँ आनंद हुआ कि अंतर में एकाग्र होते निरखे ध्रुव की तारी। ध्रुव है ना आत्मा की तारा समान है, उसको अंतर एकाग्र है तो निरख है हम कहते हैं। आनंद हुआ इसके संभर में मत अध्यात्म था। जंगल में हम रहते थे पर छोड़ दिया संप्रदाय पर पची अंदर दुनिया मेल खाई नहीं पर कितनी बात उसने कही है। बाकी अब संपूर्ण यथार्थवाद दिगंबर संतो कुंकुंडाचार्यो अमृतचंद्राचार्य आदि संतो उसने जो बात कही ऐसी बात कभी क्या चिंता में दूसरे है नहीं। समझ में आया। सनातन सर्वज्ञ परमेश्वर अनंत वितराग उसका पंथ में चलना वाला महादिगंबर आत्म ध्यानी ज्ञानी मुनियों कुंकुंडाचार्य अमरचंद्राचार्य समद्भद्राचार्य पुष्पा स्वामी नैमी चंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती आदि महाधोरमना धोरी धर्मना थांबला मोटा धर्मना थांबला यानी धर्म क्या है वो दुनिया अपने कहकर धर्म टका भी रखा है। समझ में आया? वो बात यहाँ परंपरा से आई वो दौलतराम जी कहते हैं। और यहाँ के देखो जिन परम पैनी जो आप कोई कहते हैं कि ऐसा शुद्ध आचरण तो चौथे गुण स्थान में नहीं होता, ये तो आठवां गुण स्थान में होता है हम कहते हैं। ये बात समझते नहीं भाई, तने खबर नहीं करो। पहले के चौथे गुण स्थान में सम्यक दर्शन प्राप्त काल में ऐसा स्वरूप समयसार में बन रहा है, ऐसा ही स्वरूप समयसार में बन रहा वो बात करते हैं। सूरनमल जी भी उसकी चिट्ठी में लिखा है वही बात लिखा है। अब बात सूरनमल की चिट्ठी है ना रसपूर्ण चिट्ठी, उसमें वो बात लिखा है सविकल्पी निर्विकल्प ध्यान करते वक्त क्या होता है, तो कहते हैं को अनुभव चौथे गुण स्थान से होता है ऐसा उसमें है। और समयसार में भी वही बात लिया है पहले से, पर मुनि था मुनि का भूमिका से बात किया है। बाकी प्रथम में प्रथम भगवान आत्मा शुद्ध उपयोग रूपी आचरण में ही सम्यक दर्शन का भान होता है। आई इसकी बात करते हैं जिन परम पैनी सुबुद्धि छैनी दारी अंतर भेदिया। देखो अंदर में नाक्यूं से बोलो फोटो है चित्रामण है अंदर आत्मा छीणी मारे से छीणी ऐसा चित्रामण क्या है भैया है उसके पास यहाँ है। देखो आठवां श्लोक है ना जनो ढाला यहाँ है। तीसरा मन किया है क्या जिन परम पैनी सुबुद्धि छैनी रखो ना रखो तुम्हारे पास दारी अंतर भेदिया। क्या कहते हैं भाई आमा तो ये लिखूं थे ने आमा तो लिखू साधक जी साधक ध्यान करे थे प्यार तो જોઈ ગયો હમણાં પછી આ વાક્ય નીકળશું ને એટલે આમાં કેટલા માટે જો છઠ્ઠી શાળા ના આત્મી એને લીધું છે जिस समय कोई साधक ध्यान का साधक शब्द सामान्य आप रहते हैं जिस समय कोई साधक ध्यान का अवलंबन लेकर भेद विज्ञान के द्वारा अनादिकाल से लगे हुए द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म अपने आत्मा को भिन्न समझ लेता है। सामान्य साधक नाम सम्यक दर्शन से मानकर बड़ा साधक जी 12वां गुण स्थान तक है, पर नीचे धर्म ध्यान की बात अंदर एकाग्र होते उसकी बात मुख्य पर यहाँ है। जो कोई साधक जिन व्याख्या है ना जिन इसलिए जे मुँह तो जे कोई अत्यंत शिक्षण सम्यक ज्ञान भेद ज्ञान रूपी है नहीं। देखो अंतर में छीणी मारते हैं जो छीणी है अंदर क्षीणी बताते हैं तो आत्मा चैतन रूप शुद्ध आनंद कंद और पुण्य पाप का विकल्प जो राग है बीच में वेद ज्ञान रूपी क्षीणी मारते हैं। मंजन जी है उसमें भैया वो आनंद होया चित्र में नहीं ओह बस देखो पहले वो बात की नक्की तो करना पड़ेगा कि नहीं। नक्की किया बिना उसका उपयोग उसका कार्य कैसे कर सकते हैं। तो कहते हैं कि भगवान आत्मा सिद्ध घन आत्मा दे देवालय में प्रभु शुद्ध घन आनंद कंद पड़ा है और पुण्य पाप का राग देखो भेद ज्ञान रूपी श्रेणी द्वारा पटक कर जिस प्रकार श्रेणी लोहे को काट कर दो टुकड़े कर देती है नीचे है उसी प्रकार सदुपयोग कर्म को काटता है आत्मा से उन कर्मों को पृथक कर देता है। अंदर एकाग्रता होकर भेद ज्ञान कहो सदुपयोग कहो स्वरूप आचरण कहो स्वरूप की एकाग्रता कहो कि पटक कर अंतरंग में भेद करके अंतर में भेद किसके साथ उठेगा आत्मा के वास्तविक स्वरूप को निज भाव को ये शब्द पड़ा है निज भाव को भगवान आत्मा शुद्ध स्वरूपी निज स्वभाव सत्व रूप भाव जो तीनों काल कायम रहते हैं ऐसा निज आत्मा उसका भाव विनायक दर्शन आनंद शांति आदि त्रिका विनायक निज भाव ऐसा जो आत्मा उसमें वर्ण रस गंध स्पर्श रूप द्रव्य कर्म उससे अंतर ज्ञान भेद करते हैं। आ देखो क्रिया या धार्मिक क्रिया क्रिया कैसी वर्ण रस गंध स्पर्श रूपी द्रव्य कर्म जड़ कर्म और राग द्वेष आदि भाव कर्म शुभ अशुभ विकल्प जो राग द्वेष उठते हैं उसमें भी चिड़ी मार दिया कि शरीर वाणी कर्म तो नहीं शुभ अशुभ भाव कि मैं नहीं मेरा निज भाव से भिन्न है ऐसा निज भाव का अंतर लक्ष्य करके विभावने कर्म जड़ है उसके अंतर में वेद में अंतर भेद ज्ञान क्षीणी मारा समझ में आया। राग द्वेष आदि भाव कर्म से भिन्न करके हैं हाँ वर्ण आदि राग आदि समयसार की गाता है भाई समयसार में श्लोक है अमृतचंद्राचार्य महाराज भगवान कुंतकुंडाचार्य महाराज 2000 वर्ष पहले दिगंबर संत उसके पीछे 1100 वर्ष पहले अमृतचंद्राचार्य दिगंबर वनवासी जंगल में मुनि रहने वाला उसने टीका बनाई उसका श्लोक है सुनने आया है ना भाई श्लोक अनुवाद है कितना में श्लोक है वर्ण आदि से नहीं कितना में अजी अधिकार बोलो तो करा सातवा श्लोक है अजीव अधिकार का 3.5 श्लोक उसमें से लिया है घर की बात नहीं किया है 3.5 श्लोक है। देखो अमृतचंद्राचार्य देखो क्या कहते हैं वर्णाज्या वा राग मोहादयो वा भिन्ना भावा सर्वैव पुंसः पुरुष એટલે आत्मा पुरुष भगवान चिदानंद प्रभु पुरुष आत्मा देखो वर्ण आदि અને રાગ આદિ કયાતિ બધા પુરુષથી ભિન્ન છે તે નેવ અંતઃસત્વમ પશ્યતો અમી નો દ્રષ્ટા સુદ્રષ્ટમ એકમ પરસાર। अंतर्दृष्टि वड़ी भगवान आत्मा का अवलोकन करने वाला जीव है। सम्यक दृष्टि का अंतर अवलोकन में ये बदा दिखाता नहीं। ये विकार पंच अपने शरीर अपना निज स्वरूप में दिखते नहीं है। वो श्लोक नौतलित भाई नवनीत भाई 37 श्लोक समयसार उसमें से वर्णाद्या राग मोहादयावात नहीं भिन्न है। अंतर भेद कर भिन्न है। लिया है न्यारा किया भिन्न करके। अरे जगत की चीज लापसी जैसी चीज हो, लापसी कहते हैं ना, क्या कहते हैं लापसी, वो लापसी बनाते हैं ना। तो उसकी एक नवी कन्या हो न, तो उसकी माँ कैसे बना तो ध्यान रखती है लापसी में, कौन सी लापसी बना तो कैसे बना ध्यान रखे। पीछे वो लूट में वेरणा फिर से वेरणा क्या कहते हैं वेलन, लूट का गांठा न बांधी जाए, आटा का गांठा न हो जाए, कठण न हो जाए, नहीं तो वो लोट वाली ऊपर पकाए अंदर में दौड़ा रह जाए तो लापसी बराबर अच्छी होती नहीं। तो वो बराबर ऐसा ऐसा वो करे हलावे। तो लड़की देखे कि माँ कैसी करती है, समझ में आया। ऐसे ने न करवा दी, ऐसे जड़ दे तो लापसी में ऐसा गांठा बांध जाए और अंदर आटा रह जाए कच्चा है। ऐसे बराबर हलावे। आ तो लोग करे ही दिखे हो, अपन कई करू नहीं कहीं लोग को दिखे ने खेरे हो ने दिखू है ने दिखे काम करता होगा चिटिया हलावे के लोट में कोई पण कच्चा भाग नहीं रह जाए, सब पक्का हो जाए, नहीं तो कच्चा रह जाए। ऐसे भगवान आत्मा की जैसे करते तो लड़की जान रखती है। एम संतो ये ज्ञानियों ये जैसा किया ने जैसा कहा उसका ध्यान करो, उसमें एकाग्रता होती है। तो ऐसा एकाग्रता उसे उसका मत करना, उसका ज्ञान पहले वो प्रकार का करना। यहाँ ध्यान रखते एक नहीं तो मन कंठ में ध्यान रखते एक नहीं जो ऐसा बोलता है डॉक्टर साहब ऐसा बोलते हैं ध्यान रखो है एकांत में नहीं। हम कहते हैं कि ऐसा हुआ है ऐसा तुमको कहते हैं, हम कहते हैं दूसरा का काम दूसरा क्या यहाँ आगे देते हैं प्राण यहाँ कैसे होता है उसकी विधि क्या है ये विधि कहते हैं। समझ में आया। कैसे कि निज अपना भीन करके पहले श्रद्धा में तो लिया हो कि शुभ शुभ भाव मेरे आत्मा का लाभ के करता नहीं, देहादि क्रिया जड़ की मेरे लाभ का करता नहीं, मेरे लाभ की चीज तो मेरी चिदानंदी है, इसमें एकाग्र हूँ। तो अंतर में भेद भेद ज्ञान हुआ, भेद ज्ञान सिद्धा, भेद ज्ञान सिद्धा सिद्धा एक केतन ऊपर सम्मर अधिकार की अमृत चंद्र आचार्य का श्लोक है। अभी तक तो जितना सिद्ध हुआ भेद विज्ञान सिद्धा सिद्धा एक किल केतनम तसेव अभाव तो बद्धा बद्धा एक किल केतनम। अभी तक अनंत संसार में जितना मुक्त हुए परमात्मा सिद्ध हुआ भेद विज्ञान से हुआ है। उन पाप का भाव की क्रिया से अपना स्वरूप भिन्न है, ऐसा भेद ज्ञान करते 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 केवल ज्ञान पाया सिद्ध हुआ है। सचिव अभाव को बद्धा अभी तक निगोद से मानकर नवमी ग्रवेद कर मिथ्या दृष्टि द्रवलिंगी दिगंबर जैन साधु होकर मुनि व्रत धार अनंत धैर्य ग्रवेद उपजायो। आत्मज्ञान बिंदे सुखना पायो। तो कहते हैं कि जय लिंगी मिथ्या दृष्टि साधो, अपना स्वरूप ने राग का उससे भेद किया नहीं, वो कारण से वो भेद ज्ञान अभावात बंदा है, पर का भेद नहीं करके बंदा है, और पर का भेद करते भेद से बन से छूट जाता। एक ही उपाय है, दूसरा कोई है नहीं। समझ में आया? ये अमृतचंद्राचार्य महाराज कहते हैं, कुंकुंडाचार्य महाराज कहते पीछे टीकाकार दिगंबर संत हुआ। अभी तक जितनी मुक्ति पाया जितना संख्या में जीव कि राग पिंड दया दान राग शरीर की क्रिया भिन्न करते 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 सम्यक पाया, भिन्न करते करते चारित्र पाया, भिन्न करते करते के उन्नयन पाया। अने जी के निवेश से मानकर बंदा है जीव, हम नहीं कहा क्या कि कर्म का जोर से बंदा है। बहुत कर्म का कठिन था, उसके कारण वो बंदा ही नहीं। आचार्य कहते हैं ऐसा नहीं, राग विकल्प ने शरीर से भिन्न नहीं करते, पर को एक मानते हैं, पर को एक मानते हैं, वो कान से वो कर्म से बनते हैं। समझ में आया? दो सिद्धांत के दिया, बंधन मुक्ति कैसे होती है कि बंधे तो पर से भिन्न करे, बिना पर को एकत्व मानकर अनाज से बंधा है। मुक्त हुआ उपराग ने पर से बिन करके मुक्त सब हुआ है। सम्यक दर्शन से मानकर केवल ज्ञान लग, राग से पर से बिन करते करते ठीक होते होते दृष्टि पहली ठीक हुई, फिर होते पूर्ण ठीक हो गया, पर से बिन करके केवल ज्ञान को पाया है। उसमें क्या आया? आप पहले कहा था वो कि पर की नीचे पर की प्रवृत्ति कि राग बीच में आता है, उसके काम से आगे बढ़ते ऐसा नहीं, राग से भी भिन्न करते 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 शनि मान करके उद्यम पाया है। समझ में आया? कहते हैं कि भिन्न करके अपना स्वरूप पुण्य पाप का भाव राग आदि और शरीर आदि से वर्ण आदि से भिन्न करके क्या कहते हैं, अपने आत्मा में देखो, अपने आत्मा में देखो। कर्ता कर्म लगाता है, कारक लगाता है अपने आत्मा में। तो अपने आत्मा का अर्थ शुद्ध चैतन्य मूर्ति, अपने आत्मा में अपने लिए। संप्रदान है, संप्रदान अपने आत्मा में। ये क्या आया? अधिकरण। देखो निजमा ही अपना स्वरूप शुद्ध, उसमें ही आधार आया। राग का आधार नहीं, पुण्य का आधार नहीं, विकल्प का आधार नहीं। भाई निजमा ही, निज के हेतु अपने लिए, कोई अपने भेद करके कोई दूसरा को देना है कि पुण्य बंद हो जाएगा, पीछे स्वर्ग मिलेगा, ऐसा नहीं। अपना अपने लिए, अपने लिए भगवान शुद्ध स्वरूप चैतन्य, ये पुण्य पाप का राग से अंतर भिन्न करके अपने आधार है, अपने में, राग में नहीं, अपने लिए। कोई पर के लिए थोड़ा बंद हो गया कि पर को जीत होगा, ऐसा नहीं। तो मुझे नहीं आता हो नहीं आत्मा से भाई छोटाड़ा और समझमा दरकार मले, उल्टे रस्ते चढ़ जाए न, माने कि हम धर्म रस्ते है, हमारा कल्याण हो जाएगा। चालना है उगमना, मुट्ठी वाल कर दो आत्मना, आत्मा की संख्या पश्चिम पूर्व में जाना हो तो पश्चिम जाए, ढ आए ढ यहाँ रस आता है, भावनगर नहीं आएगा वो, भावनगर एक बाजू है हमारे, एक बाजू ठोसा है। यहाँ भगवान आत्मा निज भाव शुद्ध भाव सन्मुख अपने कारण से होते हो तो अपना निज भाव की प्राप्ति होती है। उससे विपरीत भाव जो रागादी है उस तरफ जाते हैं, दौरा होगा ढोसा है। यहाँ से दौरा समझते खेचते न खेचते, समझ में आया? अपने लिए अपना काम करना है भाई, कोई दूसरा का काम नहीं है न दूसरे मायके नहीं है। इतनी धीरज, इतनी वीर्य में पर तरफ की विमुखता अने ये वीर्यनी स्वभाव सन्मुखता की सावधानी। अब महाराज है तो सीख तो पहले लिए। डॉक्टर जी कहते हैं अपने लिए अपने द्वारा, देखो क्या कहते हैं, करण लगाया। करण के कोई साधन होगा, कहते हैं ना कि व्यवहार साधन तो है नहीं, वो तो पहले अपना साधन किया हो तो राग को आरोप देते हैं व्यवहार साधन का, ये साधन नहीं। भैया है कि नहीं अंदर देखो, उन्हीं साथ में तो पुस्तक देखो, अपने द्वारा अपना शुद्ध स्वरूप उन पाद का राग से अंदर भेद फाड़ कर अपने में अपने लिए अपने द्वारा आत्म द्वारा शुद्ध स्वरूप द्वारा, राग द्वारा नहीं। ये विकल्प शुभ राग है वो द्वारा नहीं, अपने द्वारा इतना सिद्ध किया है। समझ में आया? सम्यक दर्शन में सदुपयोग प्राप्ति के काल में ऐसा होता है। और पीछे भी जब जब आत्मा का सदुपयोग का ध्यान होता है, ऐसी स्थिति होती है तब पर से दिन होता है, नहीं कर दिन होता। समझ में आया? अपने द्वारा आत्मा को कल्याण कर्म कर्म ये कार्य आया, आत्मा को ये कार्य आया, अपना कार्य आत्मा का कार्य, राग का नहीं, राग से नहीं, राग आधार से नहीं, राग का कारण से नहीं। अजी सद्गाना वैसे नहीं कि उससे होता है, उससे होता है, उससे होता है, उसकी तो दृष्टि में मिथ्या भ्रम पड़ा है। समझ में आया? भगवान सर्वज्ञ परमेश्वर है और संत को ये कहा, महाराज कोई मार्ग की रीत सदावा में हिंदी में गागर में सागर भर दिया है। समझ में आया? अर्थ विचारना नहीं, शांति से जुड़ना नहीं। अरे भगवान झगड़ा क्या करना है उसमें, झगड़ा का स्थान ही नहीं अंदर में। आत्मा को अपना कार्य का पकड़ लिया, अंतर में सुबह सुबराग से भिन्न आपको पकड़ लिया, आपको ग्रहण किया, आपको परिग्रह बनाया। कल आया था ना दुपहर, आत्मा को परिग्रह किया, परिग्रह ना पकड़ लिया। आत्मा ज्ञायक बात, ये अपना अपने आत्मा को अने स्वयं अपने से ठीक सती, अपने से आत्मा से, आत्मा थी राग थी पुन थी विकल्प थी नहीं। हो जब लग फिरता न हो पूर्ण तो हो। वो साधन है न, उससे आत्मा में स्थिरता होती है कि शुद्ध उपयोग ने आचरण संबर निद्रा की वृद्धि होती है। ऐसा परसें राग है, ऐसा अपने से ग्रहण करते हैं, अपने से अंदर में ग्रहण करते एकाकार होते हैं, तब उसमें शुद्ध उपयोग रूपी आचरण प्रकट होता है। ये आचरण प्रकट हो उसको शुद्ध उपयोग कहते हैं और उसको संवरण निद्रा कहते हैं। समझ में आया? उसे संवरण निद्रा शुरू होती है। बात पीछे से कम